सबका परिपूर्ण फल हमको मिल जाएगा। इसलिए दिव्य अनुकूल प्रवृष्टि ही, और क्या मिलेगा, मैत्री सिद्धि। मैत्री मैंने, यदि एक आदमी का योग का अभ्यास है जिसमें वो दिव्य है, सब दिव्य मनुष्य लोक, यदि वो तो भूलोक में है नहीं तो स्वर्लोक में है, वो सब आकर्षित होंगे, बहुत लोगों की मैत्री होगी। यदि आपके पास आत्म का दिव्य स्वभाव का सुगंध है, सब कुछ अच्छे संत लोग का परिचय होगा, आप लोग उनको देख सकते हैं, नहीं तो उन वो लोग खुद आपको देखने के लिए ढूंढ के वो आ जाएंगे। इसलिए मैत्री मैंने, सब दुनिया में अच्छे अच्छे शक्ति है, वो सब अच्छी शक्ति है, अच्छे संत हैं, अच्छे पुरुष, वो सब हमारे लिए हमारे पास आ जाएंगे। वो आकर्षण शक्ति को क्या बोलते हैं, मैत्री। और भगवान को हम देख सकते हैं, भगवान के पास मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो सब तो सिद्धि है। इसलिए देहांतर वासना शेष विनाश के लिए और सर्वभूत दया को बढ़ाने के लिए, मानव संपत्ति के लिए, दिव्यानुकूल प्रवृष्टि के लिए, मैत्री और सिद्धि के लिए योगासन करना चाहिए। ये सब योग का लक्षण है, इसके लिए तो हम योग कर रहे हैं, योग करना चाहिए। परंतु ये सब तो शास्त्र का बहुत सूक्ष्म है, इसके लिए क्या करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। इच्छा से नहीं कर सकते, इच्छा दीक्षा, केवल मन में चिंतन करना इच्छा है, वो प्राप्त करने के लिए काम भी करना दीक्षा है। योग्यता से इसको इच्छुक होना तो दीक्षा है, केवल इच्छा मात्र होने से, खाली बर्तन तो इच्छा है और बर्तन में दूध मिलके दे देंगे तो केवल दूध को नहीं ले सकते, एक बर्तन चाहिए, हाथ या बर्तन चाहिए, और केवल हाथ को नहीं पी सकते, इसमें तो समाचार होना चाहिए। इसलिए बर्तन तो इच्छा है लेकिन विषय तो दीक्षा है, दीक्षा के बिना केवल इच्छा से कुछ भी काम नहीं होगा। दीक्षा से क्या हो सकता है, क्यों दीक्षा करना चाहिए, दीक्षा में क्या हो रहा है, दीक्षा में ये हो रहा है पक्व ज्ञान और पक्व भाव। आचार्य ने दो काम कर रहा है, एक हाथ में वो विषय है, एक हाथ में शिष्य है। विषय तो बहुत बड़ा है, शिष्य तो बहुत छोटा है, शिष्य तो 10 है और विषय तो 100 है। इसलिए आचार्य ने दो काम भी कर रहा है, जिससे 100 में जो प्रतिष्ठित है वो विषय को 50 को लेके आता है और 10 में जो शिष्य है उनको 50 से ऊपर लेके आता है। इसलिए विषय ज्ञान को सुरभीकरण, सरलीकरण, सुलभीकरण, ऐसा एक व्याख्यान में मैंने बताया भंडरगार इंस्टीट्यूट में, ऐसा एक विषय को सरल रूप में, सुलभ रूप में, मृदु रूप में, मधुर रूप में वो आचार्य ने नीचे लेके आता है। नीचे जो बिठा हुआ है, बहुत नीचे बिठा हुआ है जो शिष्य, उनको ऊपर लेके आके उनको ये समान स्थान देके उनका पोषण कर रहा है, ज्ञान पोषण कर रहा है। वो पद्धति को हम क्या बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा व्यक्ति से हो सकता है, एक मंत्र से हो सकता है, मंत्र पद्धति बोलते हैं, और व्यक्ति पद्धति बोलते हैं, बहुत पूज्य पद्धति बोलते हैं। एक आदमी को देख सकते हैं और भगवान के ऊपर बहुत भक्ति और स्मृति का प्रदर्शन से कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण से कर सकते हैं, क्रिया ऐसा हवन आदि प्रक्रिया में कर सकते हैं, बहुत कुछ पद्धति है। अभी ये सब कुछ आधार स्तंभ भूतक ज्ञान है। अभी हम आज का शिक्षण के लिए पंचस्थान बोलते हैं। पंचस्थान का लक्षण यह है कि पांच मूल स्तंभ भूत और मूलात्मक प्रक्रिया का प्रदर्शन अभी हम करने वाले हैं। पंच आसन, पंच प्राणायाम और पंच ध्यान, ये बोल के हम समापन करते हैं। आसन के बारे में हम इसका अत्युक्त नहीं बोलते हैं कि हजार कालक्षेप, हजार भाषण दे सकते हैं आसन के बारे में, हजार, सिर्फ संख्या बोलने के लिए हम नहीं बोलते, हजार हम बोल सकते हैं, ऐसा आपको निरूपण कर सकते हैं। वो निरूपण करने के लिए हजार भाषण नहीं आवश्यक होना चाहिए, वो दो तीन शब्दों में बोल सकते हैं, अभी हम बोल रहे हैं। पंच आसन तो मूल आसन है, इसको हम बोलते हैं समान आसन, पद्मासन, वज्रासन, शवासन और शांति आसन और कुथ पद्मासन, इसको पंचासन बोलते हैं। समान आसन जानते हैं, जो आसन पर आप सब बैठे हैं अभी, वो तो समान आसन है। और वज्रासन जानते हैं, तो वज्रासन में बैठने वाले भी हैं, और पद्मासन सब लोग जानते हैं, और शांति आसन तो सब जानते हैं, रोज तो कर रहे हैं ना सोने के समय में, शांति आसन वो तो शांति आसन है। और फिर कुथ पद्मासन पहले मैंने दिखाया पहला कक्ष में, वो भी आप करना चाहिए। ये सब ये आसन में बैठने के समय में क्या हो रहा है, इसके लिए बोलते हैं षड विकार। क्या बोलते हैं, षड विकार, उद्घाटन, ये सब कृपा कर लिखिए सब लोग, उद्घाटन, भ्रमण, प्रवाह, बंद, मोचन, ये पांच हो रहा है ये आसन में बैठने के समय में।
आप एक आसन के बैठने के समय में वो आसन से एक निर्बंध है, इसको बोलते हैं स्पर्श संघ, स्पर्श, स्पर्शाकर, स्पर्श बल, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन, प्रेशर। एक पोजीशन में बैठने के समय में, एक स्थान में स्थिर रूप में बैठने के समय में हमको कुछ जगहों में शरीर की कुछ प्रदेशों में उसका स्पर्श होता है, दीर्घ स्पर्श होता है, मूल या आघात स्पर्श होता है। वो होने के समय में उद्घाटन, जो ऐसा बद्धता, कुछ चक्र, कुछ नाड़ी जो ऐसा बद्धता, उसका उद्घाटन होगा ऐसा बैठने के समय में। और ऐसा बैठने के समय ये आप जानते हैं कि ऐसा ये पंखा की खेल है, ये सब हम भी बाजार बाहर भी बेचते हैं ना ऐसा, इसलिए ऐसा आप करेंगे तो फिर वो पंखा ऐसा भ्रमण करेगा, ये सब बच्चे लोग खेलते हैं ना, इसलिए शरीर में इतना चक्र है वो सब अचल है। एक आसन पर बैठने से वो छल हो सकता है, जो अचल चक्र है ऐसा रूप में वो तो भ्रमण हो सकता है, वो तो भ्रमण वो हो रहा है। प्रवाह जो खंडित है, जो निरोधित है, वो शक्ति एक प्रवाह एक रूप में बैठने से वो प्रवाह हो सकता है। इसलिए शक्ति का प्रवाह, चक्र का भ्रमण, नाड़ी का उद्घाटन, और हमारा पाप कर्मा से, शरीर कश्मल से, मन का कश्मल से, बुद्धि का कश्मल से बहुत नाड़ियों में दुर्गंध हो सकता है, होता रहता है, वो उसको निकलना चाहिए ना। आप क्या कर रहे हैं, जो निकलना है उसको सुरक्षित रखते रहते हैं और जिसको बढ़ाना है वो बाहर छोड़ के उसको अंदर आना नहीं देते। इसलिए बंद मैंने बंद मोचन, जो हमारी सशक्ति है वो सशक्ति से स्खलन नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, स्थगन और स्खलन बोलते हैं। जो हमको चाहिए वो स्खलन में चल जाता है और जो हमको नहीं चाहिए वो तो स्थगन है अभी। इसलिए जो नहीं चाहिए उसको निकलना है, जो चाहिए उसको नहीं निकलना है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए बंद शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पुण्य जितने किए हैं, जितना जब प्रार्थना अच्छा काम किए हैं, वो सब का नाड़ी को बंद करना चाहिए। बंद नहीं किए तो जितने सत्कर्म किए वो सब बाहर निकल जाएगा। और जितना हम अनृत से, अनृत असत्य, अनुष्ठान, अकर्तव्य, मोह, वंचक, द्रोह, लोभ, अपचार, जितना हमने असंख्यात पाप किए हैं, वो पाप का जो वासना शेष है उसको निकालने के लिए मोचन होना चाहिए। इसलिए यहाँ हमारा जो दक्षिण चक्र बोलते हैं, इसको दक्षिण वृत्ति बोलते हैं, दक्षिण वृत्ति में इसको मोचन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। वाम वृत्ति में इसका मोचन होना चाहिए। इसलिए हमको जो चाहिए उसको बंधित रखना है, हमको जो नहीं चाहिए वो रोज इसको खोलना चाहिए। ये एक आसन का रूप में बैठने से ही चक्र का भ्रमण होता है, नाड़ी का उद्घाटन होता है, और जो स्थगित है वो शक्ति का प्रभाव होता है। जो हमसे बाहर जाना चाहिए उसका विमोचन होता है, जो हमसे ही रहना चाहिए उसका बंद होता है। ये पांच को आसन का लक्षण है। अब सिर्फ ये मात्र नहीं है, ये आसन से जो जो अभी मिल रहे हैं, अभी तो हम बोलने वाले हैं, ये केवल इससे भी नहीं है, इससे क्या क्या विकार होता है शरीर में ये जानना चाहिए। दूसरा लिख लीजिए, इसको क्रिया बोलते हैं। वो क्रिया से क्या क्या विकार होता है अंदर, श्राव, द्रवीकरण, वातोद्भव, ऐसा तीन होता है। आसन में बैठने के समय में नई नई शक्ति का उत्पादन होता है, इसको बोलते हैं श्राव। जो दृढ़ है, आप जानते हैं ठंडा मौसम में नारियल का तेल कैसे लगेगा, कैसे दिखेगा, जैसा वातावरण दोष से, जिससे हम काम करना चाहते हैं, जो